शादी वाले घर में मेहमान बनकर आया चोर, नकली पिस्टल दिखाकर की डराने की कोशिश, ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई, किया पुलिस के हवाले। मंदसौर में एक घर में चोरी करने की मंशा से आए चोर की चालाकी का गजब मामला सामने आया है। यहाँ के मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र के बरखेड़ा देव गांव में शादी वाले घर में चोरी करने आया चोर, पहले तो मेहमान बनकर घर में जाकर सो गया। बाद में पकड़ आने पर उसने नकली पिस्टल से ग्रामीणों को डराने की कोशिश की, लेकिन उसकी यह कोशिश नाकाम साबित हुई। भारी तादाद में मौजूद ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई लगाई और बाद में उसे पुलिस के हवाले किया। जानिए इस बारे में डॉक्टर अमित वर्मा, एएसपी मंदसौर ने क्या कहा। सर, एक मल्हारगढ़ मामला है, इसमें पिस्टल पकड़ाने का मामला सामने है, पूरा मामला क्या? एक्चुअली इसमें घटनाक्रम के बारे में आपको बता दें, एक व्यक्ति जो कि चोरी की आशंका से घूम रहा था, उसको वहाँ के लोगों ने, आम जनता ने पकड़ा था, और इस व्यक्ति के पास से एक वेपन जैसी चीज़ मिली जो कि देखने में लगती है कि कोई हथियार है, पिस्टल है, लेकिन हकीकत में पिस्टल न होकर एक सिगरेट लाइटर है। मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल के युवा अपराध करने के लिए यदि उनको कहीं हथियार ना मिले तो इस तरीके से जो मार्केट में खिलौने के रूप में जो हथियार मिलते हैं या खिलौने जो मिलते हैं जो कि काफ़ी कुछ सिमिलरिटी होती है रियल वेपन के साथ, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो यह संभव है कि इसके द्वारा, आरोपी के द्वारा ऐसा ही एक हथियार जो कि लाइटर है, तो लाइटर का इस्तेमाल, सिगरेट लाइटर जो कि हथियार समान दिखता है, वेपन समान दिखता है और लगभग पूरा पिस्टल समान दिखता है, उसका इस्तेमाल किया गया था। मंगलवार की रात को मंदसौर के मल्हारगढ़ थाना क्षेत्र स्थित बरखेड़ा देव में शादी वाले घर में चोरी की मंशा से एक युवक घुस आया। यहाँ चालाकी दिखाते हुए युवक पहले एक कमरे में रजाई ओढ़कर सोने का नाटक करता रहा, किंतु इस बीच कमरे में पहुँची महिलाओं के डर से युवक ने अपने पास मौजूद नकली पिस्टल से महिलाओं को डराने की कोशिश की। महिलाओं ने चिल्ला चोट कर ग्रामीणों को बुलाया तो ग्रामीणों ने युवक को जमकर पीटा और पुलिस को सूचना दी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को पकड़कर पिस्टल की जांच की तो वह पिस्टल न होकर एक लाइटर पाया गया जो कि हूबहू किसी पिस्टल की तरह ही दिखाई दे रहा था। मामले में पुलिस ने नकली पिस्टल के साथ चोरी करने आए युवक पर 457 और 511 आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 457, 511 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें आरोपी गिरफ्तार हो गया है।